नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 मार्च 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल महुआ न्यूट्री बेवरेज के बारे में है। पहले हम महुआ का मतलब जानते हैं। ये देखो एक फॉरेस्ट ट्री है। महुआ पेड़ की खाल का, फूलों का और सीड्स यानी बीजों का इस्तेमाल होता है बहुत सारे पर्पजेज के लिए। जैसे महुआ ट्री के जो फ्रूट्स हैं उनको एज ए सब्जी इस्तेमाल किया जाता है। बीज जो हैं महुआ के बीजों में 40% पेल येलो ऑयल होता है, तो इस येलो ऑयल का इस्तेमाल होता है खाने में। महुआ के फूल में 65-70% शुगर, सेलुलोज, एल्बुमिनस सब्सटेंसेस, एस, एंजाइम, ईस्ट, वाटर। वैसे देखो महुआ पेड़ के और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। एज ए मेडिसिन यानी दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉमर्शियल यूजेस, फॉर एग्जांपल साबुन बनाना है, डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, महुआ पेड़ का इस्तेमाल हो सकता है। ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्किन का ख्याल रखने के लिए भी महुआ पेड़ का इस्तेमाल होता है। देखो महुआ पेड़ पर जो फूल लगते हैं, 90% जो फूल होते हैं उनका इस्तेमाल होता है अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल बियर बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए। रूरल इकोनॉमी में महुआ का जो ये पेड़ है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइंटिफिक नेम है मडुका इंडिका। महुआ पेड़ के जो फूल हैं वो काफ़ी रिच सोर्स हैं कैल्शियम के, मिनरल्स के, विटामिन्स के और शुगर्स के। अब हम कंटेस्ट की बात करते हैं। बेसिक जानकारी हमने डिस्कस कर ली, ये थोड़ी सी वैसे और भी जानकारी है। इंडिया के ड्राई रीजन में महुआ का पेड़ मिलता है, मल्टीपर्पज ट्री है, इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया के फॉरेस्ट या फिर सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स। अब कंटेक्स्ट की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 90% महुआ के जो फूल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है शराब बनाने के लिए। अब गवर्नमेंट खुद ही प्लान कर रही है कि महुआ बेस्ड एक एल्कोहलिक बेवरेज मार्केट में उतारा जाए। बेवरेज का क्या मतलब है? देखो पानी को छोड़ के जो भी पेय पदार्थ हैं जैसे टी, कॉफ़ी, पेप्सी, कोक, विस्की, रम, बियर, कॉकटेल, मॉकटेल, ये सारे बेवरेजेस हैं। तो गवर्नमेंट अपना एक महुआ न्यूट्री बेवरेज मार्केट में उतारेगी। इसमें अल्कोहल कंटेंट कम होगा लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू इस बेवरेज की ज़्यादा होगी। कीमत होगी 750 ml, 700 रुपये। कीमत आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। जैसे 6 फ्लेवर्स में होगा, जैसे एप्पल फ्लेवर अलग से, बनाना फ्लेवर, इस प्रकार के 6 अलग अलग फ्रूट्स के आधार पर फ्लेवर भी होगा इस महुआ न्यूट्री बेवरेज का। किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है? इसे देखो IIT दिल्ली ने डेवलप किया है ट्रिफेड के साथ कोलाब्रेशन करके। ट्रिफेड क्या है? ये देखो एक एजेंसी है जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का काम करती है। 1987 में इसे इस्टाब्लिश किया गया था। तो हर एक स्टेट को अपने आप से ही रेलेवेंट क्लियरेंस एक्वायर करना होगा इस महुआ न्यूट्री बेवरेज के लिए। ट्रिफेड ने एक MOU साइन किया है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। किस लिए? ताकि देखो जो भी सूटेबल एंटरप्रेन्योर हैं जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं महुआ न्यूट्री बेवरेज को या फिर मार्केटिंग करना चाहते हैं उनको चूज़ किया जा सके। इसी संदर्भ में ट्रिफेड ने एक नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन किया है ताकि एंटरप्रेन्योर को असाइनमेंट दी जा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी दी जा सके जिससे ये बेवरेज बनता हो और उन्हें बताया जा सके कैसे आपको इसकी मार्केटिंग करनी है। वैसे मार्केटिंग तो की जाएगी इस महुआ न्यूट्री बेवरेज स्कीम, वो इस स्कीम के अंतर्गत की जाएगी, वंधन विकास कार्यक्रम स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की स्कीम है। और कहाँ पे मिलता है? काफ़ी बार UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है क्या महुआ का पेड़ सिर्फ इंडिया में मिलता है? नहीं भाई, हमारे पड़ोसी देशों में भी मिलता है जैसे नेपाल, श्रीलंका और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज जहाँ पे मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं ना, वहाँ पे ये पेड़ आम तौर पर मिल जाता है। तो महुआ न्यूट्री बेवरेज के बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट से संबंधित है। पहला क्वेश्चन ये बनता है किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है?
ये रिपोर्ट रिलीज की गई है इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी के द्वारा। क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की और ज़्यादा कमी होगी, इससे वर्ल्ड में और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी। 2030 आते आते ग्लोबल इनसिक्योरिटी जो है, यानी ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरा होगा पानी की कमी की वजह से, जो कि हो रही है धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से। 2040 आते आते बहुत से लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा पानी की कमी की वजह से। नेचुरल डिजास्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी पानी की कमी की वजह से। ये सब होगा 2040 आते आते। जब देखो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो किसी देश के अंदर भी और एक देश के दूसरे साथ देश के साथ भी कन्फ्लिक्ट जो हैं वो बढ़ेंगे। तो ये सब बातें इस रिपोर्ट में बोली हुई हैं। हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी की। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में हेग में, नीदरलैंड में। ये देखो सीनियर मिलिट्री लीडर्स जो हैं वर्ल्ड में, इंडिया के सीनियर मिलिट्री लीडर, दूसरे देशों के मिलिट्री लीडर, उन मिलिट्री लीडर्स का ये एक नेटवर्क है। रेगुलर बेसिस पे ये मिलिट्री लीडर्स आपस में मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सिक्योरिटी को वर्ल्ड में जो रिस्क पैदा हो रहा है, मतलब इनसिक्योर सिचुएशन पैदा हो रही है वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे निपटने के लिए क्या इंटरनेशनल एक्शन लिए जा सकते हैं, इस संदर्भ में पॉलिसीज बनाई जाती हैं इन मिलिट्री लीडर्स के द्वारा, जिनके नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी। इस काउंसिल को एडमिनिस्टर किया जाता है सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी के द्वारा। ये सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ARI-516 ग्रेप वैरायटी के बारे में है। ये देखो अंगूर की एक नई किस्म है। इस अंगूर की इस हाइब्रिड किस्म को डेवलप किया गया है अंगूर की दो स्पीसीज की हाइब्रिडिंग करके। एक तो देखो विटिस लेब्रुस्का की काटावावा वैरायटी और दूसरी विटिस विनिफेरा की ब्यूटी सीडलेस वैरायटी। मैं फिर से बोलता हूँ, अंगूर की दो वैरायटीज हैं, विटिस लेब्रुस्का की काटावावा वैरायटी और विटिस विनिफेरा की ब्यूटी सीडलेस वैरायटी। इन दोनों की आपस में इंटर ब्रीडिंग की गई और अंगूर की जो किस्म पैदा हुई उसी का नाम है ARI-516 ग्रेप वैरायटी। कहाँ पे ये डेवलप हुई ये वैरायटी? ARI में, पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। यहीं पर अंगूर की इस वैरायटी को डेवलप किया गया। UPSC इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछती हैं कि ARI-516 न्यूज़ में था, ये क्या है? क्या कोई फर्टिलाइजर है, कोई हर्ब है, या फिर अंगूर की नई किस्म है? तो आंसर होगा अंगूर की नई किस्म है। देखो अंगूर की ये जो वैरायटी है इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो फंगल रेसिस्टेंस है इस वैरायटी में, मतलब फफूंदी नहीं लगेगी। इसके अलावा पैदावार ज़्यादा होगी, अंगूर की इस किस्म में रस ज़्यादा होगा, तो अंगूर की इस नई वैरायटी का इस्तेमाल किया जा सकता है जूस, जैम, रेड वाइन, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखो ये जो अंगूर की वैरायटी है ये काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी की होगी और पर यूनिट जो पैदावार है वो ज़्यादा होगी। छटाई के बाद 110 से लेके 120 दिनों में अंगूर जो है वो मैच्योर हो जाएगा। चूँकि फफूंदी नहीं लगेगी तो आम तौर पे फफूंदी लगने से रोकने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किसानों के द्वारा किया जाता है उन केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और लागत जो आएगी अंगूरों की प्रोडक्शन में वो कम हो जाएगी। अंगूर की प्रोडक्शन से संबंधित हमारे देश में कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे देखो इंडिया का जो स्थान है 12वां है पूरे वर्ल्ड में अंगूर की प्रोडक्शन में। 78% अंगूर जो प्रोड्यूस होता है इंडिया में वो यहीं पर कंज्यूम हो जाता है। 17-20% अंगूर का इस्तेमाल होता है रेसिन प्रोडक्शन के लिए। रेसिन मतलब सूखा हुआ अंगूर।
1.5% अंगूर का इस्तेमाल होता है वाइन के लिए और 0.5% अंगूर का इस्तेमाल होता है जूस के लिए। राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा अंगूर पैदा होता है? महाराष्ट्र। 81.22% शेयर जो है महाराष्ट्र का है हमारे देश में ग्रेप्स की प्रोडक्शन में। बहुत कम अंगूर इस्तेमाल होता है जूस के प्रोडक्शन में, जैसा हमने देखा 0.5%। और महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो किसान अंगूर की जिस वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है थॉम्सन सीडलेस वैरायटी। तो ये हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स डिस्कस किए ARI 516 ग्रेप वैरायटी के बारे में। देखो कोलैबोरेशन हुआ था MACS यानी महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस एंड ARCI सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जरी एंड न्यू मटेरियल्स, उसी का नतीजा है इस वैरायटी का डेवलप होना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वाइट जिराफ से संबंधित है। देखो वर्ल्ड में दो ही वाइट जिराफ थे और दो में से एक को तो शिकारियों ने मार दिया है, तो एक ही वाइट जिराफ अब बच गया है। वाइट जिराफ्स को सबसे पहले देखा गया था 2016 में। वाइट जो अपीयरेंस है इन वाइट जिराफ की वो देखो ल्यूकिज्म की वजह से है। ल्यूकिज्म में क्या होता है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें स्किन सेल्स में पिगमेंटेशन नहीं होता। पिगमेंट का मतलब होता है नेचुरल कलरिंग मैटर ऑफ एनिमल और प्लांट टिश्यू, मतलब प्लांट्स में और एनिमल्स में जो कलरिंग मैटर होता है नेचुरल कलरिंग मैटर उसे पिगमेंट कहा जाता है। तो ल्यूकिज्म एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें स्किन सेल्स में पिगमेंटेशन नहीं होता और इसी ल्यूकिज्म की वजह से जिराफ वाइट दिख रहे थे। दो वाइट जिराफ देखे गए थे, एक को शिकारियों के द्वारा मार दिया गया है। इसके बाद देखो मिलेनिन एक डार्क बायोलॉजिकल पिगमेंट है जो कि स्किन में, बालों में, पंखों में, स्केल्स में, आईज में और कुछ इंटरनल मेम्ब्रेन्स में मिलता है। इसके बाद जिराफ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। स्वाना ग्रासलैंड्स में मोस्टली जिराफ मिलता है। थ्रू आउट अफ्रीका जिराफ को देखा जा सकता है। 2016 में IUCN ने जिराफ को वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया था क्योंकि 1985 के बाद से ही जिराफ की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 40% तक कम हो गई है। मुख्य रीजंस पॉपुलेशन के कम होने के हैं हैबिटेट लॉस, सिविल अनरेस्ट। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में विभिन्न ग्रुप्स के बीच लड़ाई चलती रहती है, सिविल वार चलता रहता है, ये भी एक रीज़न है कि जिराफ की पॉपुलेशन कम हुई है। इसके अलावा इकोलॉजिकल इश्यूज और सबसे लास्ट में शिकार जो शिकारियों के द्वारा किया जाता है। जिराफ साइट्स कन्वेंशन के अपेंडिक्स सेकंड में आते हैं। देखो UPSC ने ना एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किसी शायद प्लांट था पता नहीं एनिमल था कि वो साइट्स की कौन सी अपेंडिक्स में आता है, तो उसके बाद से करंट अफेयर जब भी हम कवर करते हैं किसी प्लांट से संबंधित एनिमल से संबंधित तो नेचर चेंज हो गया, हम अपेंडिक्स भी डिस्कस करते हैं। कुछ सालों तक तो ये चलता रहेगा जब तक कि बिल्कुल हमें श्योर हो जाए कि UPSC फिर से अपेंडिक्स के बारे में नहीं पूछेगी। हर साल ऐसा ही होता है, मतलब UPSC कोई ऐसी चीज़ पूछ लेती है जैसे कलमकारी साड़ी के बारे में पूछ लिया, तो आने वाले कुछ सालों में जब भी हम न्यूज़पेपर में कोई साड़ी आएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पता नहीं लगता UPSC रिपीट भी कर सकती है उसी नेचर के करंट अफेयर को फिर से। तो इसलिए करंट अफेयर जो हम कवर करते हैं हर साल नेचर जो है वो UPSC के क्वेश्चंस के आधार पर चेंज होता रहता है। 2001 में UPSC वैसे क्वेश्चंस पूछती थी जैसे मैच कीजिए ये क्लासिकल डांसर हैं, भरतनाट्यम से जुड़े हुए ये डांसर हैं, या फिर ये दूसरे डांस से जुड़े हुए डांसर हैं, या फिर ये जो पर्सन है तबला बजाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन UPSC के द्वारा 2001 उस समय पूछे जाते थे। लेकिन बहुत साल हो गए UPSC अब इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछती है, इसलिए हम कवर भी नहीं करते हैं। तो जब भी आप तैयारी करो ना, आप अपने सामने पुराने पेपर जरूर सामने रखो ताकि ट्रेंड के बारे में आपको पता लगता रहे। जैसे एक और एग्जांपल आप देखिए, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन UPSC ने पिछले बहुत सालों में नहीं पूछे हैं, 20-25 सालों में। अदरवाइज़ पहले तो UPSC इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा करती थी कि ये टूर्नामेंट टेनिस का है या फिर ये टूर्नामेंट क्रिकेट का है। आजकल ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो SSC IBPS जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, UPSC नहीं पूछती। लेकिन आगे कभी UPSC ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया फिर से कि ये टूर्नामेंट
कौन से खेल का है। तो फिर करंट अफेयर में जब भी हम कवर करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हम कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो एसेंस यही निकलता है कि पुराने पेपर आप हमेशा अपने सामने रखिए ताकि आपको भी पता लगता रहे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल सह्याद्री मेघा के बारे में है। क्या है ये? ये देखो पैडी की यानी धान की एक नई लाल किस्म है। मैं फिर से बोलता हूँ, पैडी यानी धान की एक नई लाल किस्म है सह्याद्री मेघा। इसको डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के द्वारा। पैडी कल्टीवेशन के अंतर्गत जो एरिया है हमारे देश में उसमें कमी आ रही है पिछले कुछ समय से, क्योंकि एक डिजीज काफ़ी ज़्यादा तंग करता है राइस की पैदावार में, जिसका नाम है ब्लास्ट डिजीज। ब्लास्ट डिजीज में क्या होता है, राइस को फफूंदी लग जाती है और जो फंगस लगता है उसका नाम है मैग्नापोर्थी ओराइजे। ये फंगस लग जाता है राइस को, जिसकी वजह से राइस की जो पैदावार है 70-80% तक कम हो जाती है। ऑलमोस्ट 80 देशों में राइस को इस प्रकार का डिजीज रिपोर्ट किया गया है। इंडिया में सबसे पहले इसे रिकॉर्ड किया गया था 1918 में। पैडी की सभी ग्रोथ स्टेजेस में ये डिजीज राइस को इन्फेक्ट कर सकता है और प्लांट के सभी एरियल पार्ट्स में। हाँ, तो ये नई किस्म जो डेवलप की गई है अब सह्याद्री मेघा, इसमें देखो काफ़ी प्रोटीन होगा, काफ़ी फाइबर होंगे, तो इसकी डिमांड ज़्यादा होगी और फफूंदी भी नहीं लगेगी, यानी ब्लास्ट डिजीज भी प्रभावित नहीं करेगा इस वैरायटी को। इसको डेवलप किया गया है हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग मेथड की सहायता से। क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई थी राइस की ज्योति वैरायटी की, किसके साथ? अकालू के साथ। फिर से बोलता हूँ, ज्योति राइस की जो एक वैरायटी है इसकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई अकालू के साथ और रिजल्ट निकला सह्याद्री मेघा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 5 आर्टिकल्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने महुआ को डिस्कस किया, दूसरे नंबर पे हमने एक मिलिट्री काउंसिल से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया था, तीसरे नंबर पे वाइट जिराफ से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया, और चौथे नंबर पे हमने कौन सा आर्टिकल डिस्कस किया याद नहीं है। सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया सह्याद्री मेघा के बारे में। हाँ, एक आर्टिकल हमने अंगूर से संबंधित डिस्कस किया था, जिसका नाम था AR I516 ग्रेप वैरायटी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।